हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीखो यूट्यूब चैनल। मैं प्रिंस तिवारी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी स्टेबलाइजर की ऑटो कट खराब हो जाती है दोस्तों, स्टेबलाइजर की अगर ऑटो कट खराब हो जाती है, खराब होने से दोस्तों ये होता है कि आपको कम वोल्टेज पर भी वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है दोस्तों। तो उसको आज को आपको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, अगर आपको कोई इमरजेंसी में है, अगर आपकी स्टेबलाइजर की ऑटो कट खराब हो जाती है तो उसको आपको डायरेक्टली कैसे चला सकते हैं दोस्तों। तो उसको अगर आपको सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो दोस्तों आइए, मैं आपका टाइम लॉस नहीं करते अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कैसे इसकी सॉल्व करना है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में बेल इन्फॉर्मेशन उसको प्रेस करें, ताकि वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, मेरे पास 1 KVA की मैनुअल स्टेबलाइजर है जिसकी हमारी ऑटो कट खराब हो चुकी है, यानी कि इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये 150 के पार जाती है तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको उसको कैसे सॉल्व करने हैं, तो आपको मैं अब क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि इसको कैसे और कौन से प्रॉब्लम से इसे प्रॉब्लम होते हैं। तो दोस्तों पहले आपको टेस्टिंग करके बता देता हूँ कि इसकी क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। तो ये देख लीजिए, मैंने इसमें लाइट दिया तो देख लीजिए दोस्तों, अभी लाइट इसमें शो कर रही है, लेकिन जब मैं इसकी रोटरी रोटेट करूंगा, देखिए दोस्तों जब मैं इसकी रोटरी रोटेट किया तो ये हमारी करंट को छोड़ दी दोस्तों। इसका मतलब कि ये हमारी जो है इसकी पावर नहीं बन रही है सही से दोस्तों। तो आपको इसके कैसे सॉल्व करना है, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी समझ लीजिए दोस्तों। तो देख लीजिए, मैं जब इसको 150 के पास ले जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक कटअप हो जाएगी दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, ये हमारी कटअप हो गई। जब मैं इसकी वोल्टेज ड्रॉप करूंगा तो ये चालू हो जाएगी। देख लीजिए दोस्तों, ये ऐसे अगर प्रॉब्लम आपकी स्टेबलाइजर में आती है तो आपको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम होती क्या चीज है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें एक ये देख लीजिए, आप ऑटो कट किट लगा रहता है जिसके सहारे से ये रिला ऑपरेट होती है, और इस ऑटो कट किट को करंट यहाँ से एक 909 ट्रांसफार्मर देता है दोस्तों। ये ट्रांसफार्मर सर्किट को करंट देता है जो कि रिला को कटअप कराता है, यानी कि इसको कटअप कराता है दोस्तों। तो ये कटअप कराने से इसकी लाइट ऑफ हो जाती है, तो दोस्तों ये काम कैसे करना बंद कर देता है दोस्तों। इसमें होता क्या है, एक प्रीसेट दी होती है जो रोटरी करंट को एडजस्ट कर सकते हैं आपकी कितने वोल्टेज पर ड्रॉप करानी है। उसके बाद में एक यहाँ देखिए ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि 548 का BC548 का ट्रांजिस्टर लगा होता है। उसके बाद में एक जीनर और एक डायोड और 2 रेजिस्टेंस 2 कैपेसिटर दिए होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर इसमें खराब क्या होता है दोस्तों, ये हो सकता है आपके प्रीसेट खराब हो जाए, या इसकी ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है, या जीनर खराब हो जाता है दोस्तों। ये 3 ही प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आपको ऐसे माथापच्ची नहीं करने हैं, आपको मेरे बताए हुए सीधे अनुसार पे चलने हैं, तो आपको जल्द से जल्द सॉल्व मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारी ऑटो कट किट खराब हो चुकी है फिर भी मैं अपने ऑटो कट किट को डायरेक्टली करके चलाना चाहते हैं आपके सर्किट को, तो दोस्तों क्या करना है उसके लिए आपको यहाँ से ये जो 909 की जो कनेक्शन आई हुई है देख लीजिए, आप पहले इसको चेक कर लीजिएगा, जो ट्रांसफार्मर से जो डायरेक्ट इन, यानी कि दोस्तों जो ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट इन यहाँ आई है, इस दोनों वायर को आप रिसोल्ड कर दें दोस्तों, इस दोनों वायर को रिसोल्ड कर दें। तो ये देख लीजिए, मैंने इसको रिसोल्ड कर दिया। मान लीजिए दोस्तों आप एक भी वायर को ड्रॉप कर सकते हैं तो ये करंट, ये सर्किट को करंट नहीं मिलेगा और ये काम नहीं करेगा। तो फिर से मैं इसको टेस्टिंग कर लेता हूँ कि दोस्तों क्या हुआ है, हमारा ऑटो कट किट ही खराब था कि दूसरा कुछ खराब है दोस्तों। तो दोस्तों ये देख लीजिए, अब मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ। देख लीजिए दोस्तों, हमारी जो वोल्टेज है वो 200 के पार जा रही है, यानी कि हमारी जो है ऑटो कट किट खराब है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ऑटो कट किट चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे आपको मार्केट से सेम टू सेम ऑटो कट किट मिल जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये बड़ा सर्किट के लिए है, लेकिन आप भी इसको यूज कर सकते हैं। इसकी मार्केट प्राइस दोस्तों मैक्सिमम 13 से 14 रुपए पड़ेगी, तो इसलिए आपको ज्यादा इसको तेलेबल करने की जो कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधे मार्केट से एक ऑटो कट किट मैनुअल वाली ऑटो कट किट लानी है और सीधे आपके इसको कनेक्शन कर देना है। तो दोस्तों आपको कनेक्शन कैसे करना है, तो पहले आपको अपने दोनों ये जो 909 से कनेक्शन आते हैं तो इसको छोड़ा लेने होंगे। ये देख लीजिए दोस्तों, मैंने इसको छोड़ा लिया, और छोड़ाने के बाद अब इस 909 के कनेक्शन को दोस्तों पहले आपको इसमें दी हुई डायग्राम के अनुसार कनेक्शन कर देने होंगे दोस्तों। तो इसमें डायग्राम क्या देती है दोस्तों, समझ लीजिए आप दोस्तों। ये देख लीजिए, जिस साइड में आपकी जो डायोड की प्रिंट जाती है, यानी कि जिस साइड में आपकी डायोड की दोनों प्रिंट निकलती है वो प्लस है, और ये माइनस आती है, यानी कि इसी दोनों सर्किट पे आपके पहले 909 के जो दोनों कनेक्शन है वो आएंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, मैं इसके यहाँ से 909 के दोनों कनेक्शन को कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ एक और यहाँ एक। उसके बाद दोस्तों कनेक्शन करने के बाद आपको ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे दो आपको प्रिंट दिख जाएगी। ये दोनों प्रिंट, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक प्रिंट आपके मॉस्फेट से आई होगी दोस्तों, जो ये मॉस्फेट इसमें लगाया हुआ है इस मॉस्फेट से आई होगी, और एक प्रिंट आपकी डायरेक्टली ग्राउंड से होकर के आई होगी, यानी कि कंडेंसर से एक पॉइंट होकर के आई होगी दोस्तों। तो आपको इस दोनों प्रिंट को जैसे दोस्तों इस दोनों वायर को इसमें से रिसोल्ड कर लेना होंगे, रिसोल्ड करके दोस्तों, और इस दोनों वायर को यहाँ पे जोड़ देने होंगे दोस्तों।
इस दोनों वायर को आप यहाँ पे जोड़ देना, देख लीजिए यहाँ पे जोड़ देने होंगे दोस्तों। अब जोड़ देने के बाद मैं आपको अब टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि इसकी करंट जो है सेम है या कोई चेंज हुई है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, मैं इसको पहले प्रीसेट बीच में कर देता हूँ, अब मैं इसको करंट देता हूँ, देख लीजिए। ये करंट देने के बाद हमारी 200 पे टिकी हुई है, यानी कि जब ये 200 के पार जाएगी तो हमारी वोल्टेज होगी वो ड्रॉप हो जाएगी। यानी कि अब देख लीजिए, मैं इसको 200 के पार भेज रहा हूँ, ये 250 पे भी करंट ड्रॉप नहीं हो रही है, तो इसको मैं अब करंट ड्रॉप करने के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों करंट ड्रॉप करने के लिए आपको जिस वोल्टेज से चाहिए, मान लीजिए आपको 200 वोल्टेज पे चाहिए, तो इस कांटे को पहले 200 वोल्टेज पर फिक्स कर दे दोस्तों। मान लीजिए 200 पे वोल्टेज पर भी फिक्स है, तो अब मैं इस पे कटअप कराऊंगा। तो दोस्तों कटअप कराने के लिए आपको इस प्री सेट को रोटेट करने होंगे दोस्तों। ये देख लीजिए, प्री सेट को रोटेट करने के बाद ये देख लीजिए दोस्तों, आप आइए करंट थी वो कटअप हो चुकी है। तो अब जब आप इसको डाउन करेंगे तो ये देख लीजिए दोस्तों, चालू हो गई है। जब ये 200 के पार जाएगी तो आपको ऑटोमेटिक कटअप हो जाएगी दोस्तों। तो आपको अगर 250 पे कटअप करना चाहते हैं तो आपको 250 पे ले जाके क्लियर काटे को और प्रीसेट को रोटेट करें, यानी कि प्रीसेट ये देख लीजिए दोस्तों, इसको प्रीसेट बोलते हैं, इसको आपको रोटेट करने होंगे लेफ्ट या राइट साइड, आपकी करंट कटअप हो जाएगी। आप जिसने जितने जितने पे चाहते हैं उतने पे अपने करंट को कटअप करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं स्टेबलाइजर के जो है ऑटो कट किट के बारे में बता देना चाहता था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो दोस्तों आपको मेरा सुझाव कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों।